हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट और जागरूक करने में जुट गई है। दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान दूसरे दिन प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे। इसकी झलक भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे सरहदी बाड़मेर जिले के महाबार रोड स्थित इंद्रप्रस्थ गार्डन में शुक्रवार से शुरू हुए शहर कांग्रेस के दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन दिखी। प्रशिक्षण के दौरान वक्ताओं ने कांग्रेस को बूथ स्तर पर मजबूत करने और आम जनता तथ्यात्मक और सही जानकारी पहुंचाने की बात पर जोर दिया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष फतेह खान की अगुवाई में शुरू हुए आवासीय प्रशिक्षण शिविर में बड़ी संख्या में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ता ने भाग लिया। वहीं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के इतिहास से भी रूबरू करवाने के लिए जानकारी दी। इससे पहले ध्वजारोहण के साथ आवासीय प्रशिक्षण की शुरुआत की गई। प्रशिक्षण शिविर में जिला कांग्रेस के पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य सहित अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी, पार्षदों के साथ प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष फतेह खान के मुताबिक दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं को इतिहास, बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए जयपुर से वक्ताओं द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी बाड़मेर पहुंचेंगे, जहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर कांग्रेस की नीतियों के बारे में जानकारी देंगे। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष फतेह खान, इन्होंने ये कहा, बाड़मेर में भी और अन्य इलाकों में भी कांग्रेस क्या सोचकर अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके उनके साथ बातचीत चिंतन कर रही है, आगामी चुनाव को देखते हुए इस प्रशिक्षण को जोड़ा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी का हमेशा समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आई पहले भी हुए हैं और बीच में उस समय से ये प्रोग्राम नहीं चले थे किसी वजह से, लेकिन अभी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, मुख्यमंत्री जी, उन्होंने प्रोग्राम तय करवाए हैं। पहले सभी प्रदेशों में तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर थे, इसमें मैंने भी भाग लिया था। जिले के चार पांच लोग और भी थे, एक जिले से पांच पाँच छः लोगों को बुलाया था। उसके बाद में हमें निर्देश दिए कि सभी जिला मुख्यालय पर ये दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर रखा जाए। इसमें कांग्रेस की रीति नीति, कांग्रेस का सिस्टम और कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस का संविधान और कांग्रेस का इतिहास और कांग्रेस का वर्तमान, इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके स्पेशलिस्ट जयपुर से आज भी आए हैं, कुछ कल भी आएंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे यहाँ के प्रशिक्षण के प्रभारी, ये चीज़ें जो कार्यकर्ता, इनको विस्तार से समझाएंगे। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।